थीम अप्लाई करना हो बस क्लिक करो, लेकिन हमको थीम ना लेकर के केवल उस थीम का फॉन्ट हमको यूज करना। तो यहाँ फॉन्ट में जाओ, यूज करो, ये कैसा फॉन्ट, थीम का फॉन्ट है ना, इससे फायदा क्या है, ये पूरे के पूरे पेज पे अप्लाई हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन अगर बोले है कि हमारे पास यहाँ भी तो फॉन्ट है, होम में भी तो यहाँ फॉन्ट है ना, इसमें क्या फर्क है, ये जिस सेल पे कर्सर रहेगा उसी पे अप्लाई होगा, पूरे में अप्लाई हो रहा है नहीं ना, अंतर यही है, वो जितना दूर सेलेक्ट करोगे उतना ही दूर अप्लाई होगा, जैसे इतना दूर सेलेक्ट किए ना तो इतना ही दूर अप्लाई होगा, देखो हुआ ना, पूरे पे नहीं ना अप्लाई हुआ, लेकिन ये थीम वाला जो है ना ये पूरा का पूरा सभी पे अप्लाई हो जाएगा, जो भी चाहे फॉन्ट है ना, जो देखो हो रहा है ना, एवरीथिंग मतलब एवरी सेल पूरा जितना भी है ग्रुप ऑफ सेल्स सब पे अप्लाई हो जाएगा। मार्जिन पता है कितना मार्जिन छोड़ना है, कस्टम मार्जिन में जाएंगे जितना तुमको छोड़ना है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट हेडर फुटर उतना छोड़ दो, ओरिएंटेशन सबको पता है, साइज भी सबको पता है, A4 साइज लेना हो जो भी, प्रिंट एरिया का मतलब कि हमको प्रिंट करना हो केवल इतना ही एरिया को, तो सेलेक्ट सेट प्रिंट एरिया में जाएंगे, कंट्रोल पी करेंगे तो देखो उतना ही दूर प्रिंट आउट हो रहा है, फिर यहाँ पे जा करके करते हैं क्लियर प्रिंट एरिया खत्म। उसके बाद ब्रेक, ब्रेक में क्या होता है कि जहाँ पे तुमको ब्रेक करना हो, यहाँ से अगर ब्रेक करना होगा तो कर देंगे इंसर्ट पेज ब्रेक, तो यहाँ से देखो एक पेज दो पेज तीन पेज चार पेज, ये अलग अलग चार पेज में ये हो गया, कंट्रोल पी करते हैं, देखो पहला पेज में आया ये, देखो दूसरा पेज में यहाँ पे जाते हैं क्लिक करते हैं, दूसरा पेज में ये आया, तीसरा पेज में, चौथा पेज में, बस आ गया ना, मतलब ये हुआ कि जहाँ से हम कर्सर रखेंगे ना उसको ये क्या करेगा ना कि ब्रेक कर देगा, हटाना है तो यहाँ पे कर्सर को रखो ठीक है, जा करके क्लिक कर दो रिमूव पेज ब्रेक, रीसेट ऑल पेज ब्रेक, या रिमूव कर दो, रिमूव करोगे तो एक बार करेगा, ऑल का मतलब ऑल टू ऑल कर देगा, देखो अब कंट्रोल पी करो, देखो तो सबके सब आ रहा है, तो ये हो गया। बैकग्राउंड चेंज करना तो बताए थे पिछले क्लास में कि अगर एक्सेल के सीट का कोई बैकग्राउंड अगर चेंज करना हो तो तुम यहाँ से सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हो, देखो है ना, डिलीट बैकग्राउंड, प्रिंट टाइटल भी बताए थे, ये टाइटल जो होता है ना प्रत्येक पेज पर नहीं आता है एक्सेल में, हम चाहते हैं कि प्रत्येक पेज पे प्रिंट आउट आए तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, सेलेक्ट कर लेते हैं इसको ठीक है, जाएंगे यहाँ पे प्रिंट सेट टाइटल, यहाँ पे है ना रो टू रिपीट एज टॉप, क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लो, ओके कर लो, देखो कंट्रोल पी करेंगे तो देखो ऊपर में आ रहा है, दूसरा पेज पे भी जाएंगे तो देखो ऊपर में ये वाला तो आ रहा है, इसके ऊपर में तो जरूरत नहीं ना है, वैसे अगर पूरा का पूरा रिकॉर्ड रहेगा ना लंबा चौड़ा तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली आएगा, तो यहाँ पे जाएंगे प्रिंट टाइटल में इसको फिर जा करके डिलीट कर देते हैं, ओके ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे कह रहा है क्या स्केल टू फिट का मतलब क्या होता है, अब बताओ कि ये जो तुम्हारा पेज है एक पेज पर कितना कंटेंट प्रिंट आउट होने वाला है, देखो तो बता रहा है यहाँ इतना दूर का कंटेंट पहला पेज पे, इतना दूर का दूसरा पेज पे है ना, व्यू पेज ब्रेक प्रीव्यू कितना पेज में आ रहा है बता रहा है, बता रहा है ना कि कितना पेज पे जाएगा, लेकिन हम जाते हैं व्यू में क्लिक कर देते हैं नॉर्मल, फिर वापस जाते हैं कहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करते हैं, लेकिन हमको मन है क्या कि फॉन्ट का साइज थोड़ा सा छोटा हो तो हो लेकिन ये वाला इसमें फिट हो जाए, तो यहाँ पे जाओ कहाँ पे पेज लेआउट में, और यहाँ पे क्या है स्केल है ना इसको कर दो तुम, देखना 95% और थोड़ा छोटा करो और थोड़ा छोटा करो और छोटा करो, 80% पे आया तो देखो तो लाइनिंग वहाँ पे बढ़ रहा है, और कम करो देखो लाइनिंग भाग गया वहाँ, आ गया ना यहाँ तक, कंट्रोल पी करो तो देखो तो पूरा का पूरा आ गया एक पेज पे है ना, लेकिन तुम चाहते हो नहीं और थोड़ा सा ये बड़ा कर देते हैं इसको, देखो लाइनिंग देखना भागेगा, फिर बड़ा किए फिर बड़ा किए देखो तो भागा थोड़ा सा, फिर बड़ा किए भागा, फिर बड़ा किए भागा, देखो फिर और बड़ा किए और बड़ा किए और बड़ा किए, देखो कंट्रोल पी, देखो केवल इतना ही आएगा बाकी उधर भाग गया ना, मतलब कि पेज पे जूमिंग मान लेते हैं कि नहीं तुम मैक्रो प्रिंटिंग करवाते हो, मैक्रो प्रिंटिंग होता है ना चोरी वोरी करने के लिए सो करवाता है, तो जूम क्या करता है जूम को छोटा करता है, पेज को छोटा नहीं करता, जूम को छोटा किया चार पेज के कंटेंट पे एक पे कर दिया, आठ पेज के कंटेंट पे एक पे कर दिया, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है छोटा छोटा हो जाता है, तो एक्सेल शीट में मान लेते हैं कि थोड़ा सा अगर तुमको 10 कॉलम आ रहा है एक पेज पे और तीन चार कॉलम भाग जा रहा है दूसरे पेज पर, स्केल में आकर के ना थोड़ा सा कम कर दो, कितना कर दो 95 कर दो, 90 कर दो, 88 कर दो, 87 कर दो, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा उसी पेज में फिट हो जाएगा ठीक है ना, तो ये फायदा होता है इससे। तो इसके ऊपर वाला क्या कहता है ये वाला, ये क्या कहता है देखो, था एक पेज दो पेज तीन पेज चार पेज, चार पेज अगर करेंगे ना तो चार पेज का कंटेंट एक में आ जाएगा ठीक है, और ये वाला क्या है हाइट या विड्थ, ये हाइट के लिए है वाला विड्थ के लिए, लेकिन ये वाला क्या है दोनों के लिए है, देखो
है ना, दोनों ऑटोमेटिकली होगा, मतलब दोनों तरफ से अपने आप सेट कर देगा ये, तो तुमको जैसा करना हो वैसा कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो सले सीट ऑप्शन है ना, बानी है देखो, तो यहाँ पे क्या है सीट ऑप्शन, इसमें है ग्रिड लाइन, तो देखो ये है, इसको हमको हटाना है, हट गया, नया पेज लिए सीट, इस पे हमको नहीं देखना है, हटा, लाना है, आ गया, यहां से भी बताए थे और यहां से भी बताए थे व्यू में, है ना। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 4, अगर हम प्रिंट करते हैं इसको तो कैसा रहा, बिना लाइन का, लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें लाइनिंग भी अपने आप आ जाए, तो हमको यहाँ पे जाकर के बॉर्डर लगाना पड़ता है ना, कंट्रोल पी आया, लेकिन हम बॉर्डर नहीं लगाते हैं, इंसर्ट में गए, सॉरी पेज लेआउट में, कर देते हैं ग्रिड लाइन को, कर देते हैं प्रिंट, बस देखो क्या हुआ, आया ना, तो ग्रिड के साथ प्रिंट होगा, जितना में डेटा है उतना ही में तुमको डेटा है साथ डॉटेड डॉटेड दिखेगा, नहीं रखना है नहीं, हेडिंग अगर तुमको देखना है क्लिक करो, नहीं देखना है नहीं क्लिक करो, है ना, यहाँ पे हेडिंग है ये देखो, लेकिन यहाँ पे क्या है, हेडिंग को अगर तुमको प्रिंट करना है, देखो यहाँ प्रिंट पे क्लिक कर दो, देखो तो प्रिंट हो रहा है 1 2 3 ABC, अगर नोट सोर्स अगर बनाते हो तो वहाँ पे प्रिंट करके तब ना पता चलता है कि सीट सीट में यहाँ पे A1 है A2 है, है ना, तो उसी के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। हटा दिए, अब अरेंज में तो सबको पता होगा, ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड सिलेक्शन पैन अलाइन ग्रुप अनग्रुप रोटेट, जैसे इंसर्ट में हम गए हम ले लेते हैं कोई सेप, कंट्रोल को दबा करके इसको डुप्लीकेट से बना दिए 3-4 को, ब्लैक ग्रीन, अब मान लेते हैं कि हमको ना इसको ऊपर लाना है इसको, तो यहाँ पे क्या है सेंड बैकवर्ड है ना, ब्रिंग फॉरवर्ड 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 हुआ सेंड बैकवर्ड, देखो ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक, हाँ हो गया। अब इसके बाद सिलेक्शन पैन, हमको इसको नहीं देखना है रखना है, बाद में हमको जरूरत पड़ेगा तो ठीक है देख लेंगे, फिर गए फिर इसको क्या करते हैं ला देते हैं, आ गया एलाइन, एलाइन में मान लेते हैं कि हमको चारों को ना इक्वल साइज में रखना है, सबको सेलेक्ट कर लेते हैं, कहाँ से सिलेक्शन पैन में गए कंट्रोल दबा करके सबको क्लिक कर लेते हैं, सेलेक्ट हो गया, जाते हैं लाइन में क्लिक करते हैं कहाँ पे टॉप कर देते हैं टॉप, यहाँ पे कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, बराबर हो गया हुआ ना, अगर मान लेते हैं कि हमको इसको नीचे तरफ बराबर अगर करना होगा तो फिर नीचे ला करके डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली कर लेंगे, ग्रुप का मतलब क्या है ग्रुप, अगर हम एक को पकड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा सब पकड़ाएगा, देखो एक को पकड़ के खींचेंगे चारों आ रहा है, फिर जाके करेंगे अनग्रुप, देखो सब अलग अलग हो गया ना, गया ये रोटेट का मतलब तो पता है रोटेट कहाँ पे अरेंज, कहाँ अरेंज ये वाला, ये अरेंज लिखा हुआ नाम लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे सीट ऑप्शन नाम लिखा हुआ है ना, उसी तरह से अरेंज ही लिखा, इसी के अंदर में इतना सारा ऑप्शन है, सीट ऑप्शन में ये दोनों है, इसमें इतना है, इसमें इतना है और इसमें इतना, क्लियर, तो ये तो क्लियर हो गया तुम लोगों को, कौन सा पेज लेआउट में नहीं, व्यू तो हम बता दिए थे ना उस दिन, व्यू
और पेज लेआउट क्लियर हो गया था। अब चलते हैं हम लोग फॉर्मूला वाला पे। जैसे देखो यहाँ पे हम ऐसा लिखते हैं, चलो ठीक है यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, तो लिखते हैं कोर्स, यहाँ पे लिखते हैं ब्रांच, यहाँ पे लिखते हैं फैकल्टी, ठीक है। हम कोर्स में देते हैं डीसीए, ठीक है। ब्रांच देते हैं पाटलिपुत्रा, फैकल्टी में देते हैं हमारे देते हैं पीके सर, दे दिए। अब हम चाहते हैं कि जिसका कोर्स डीसीए हो, जिसका ब्रांच पाटलिपुत्र हो, जिसका फैकल्टी पीके सर हो, उसी का टोटल टोटल फीस पेड ड्यू और स्टूडेंट हमको दिखाए। तो यहाँ पे जाएंगे, क्लिक करेंगे क्या, इक्वल टू सम आईएफएस लगाओ। पहले क्या था सम इफ, तो सम इफ क्या करता है, तो देखो फिर से हम केवल सम इफ ही लगाते हैं, ब्रैकेट खोलते हैं। रेंज हमको लेना है क्या, कोर्स कॉमा दे करके, जिसका कोर्स क्या हो कॉमा सम, हमको सम क्या निकालना है, फीस, केवल एक ही का निकाल रहा है ना। yes. लेकिन हमको क्या है ना कि अब कंडीशन दो और है, तो हमको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, सम आई एफ एस इक्वल टू एस यू एम आई एफ एस, ब्रैकेट खोले, क्या लिखेंगे, सम का रेंज। अब उल्टा हो गया, सम रेंज, सम किसका करना है हमको, फीस का, तो फीस को पहले सेलेक्ट कर लो, ये थोड़ा उल्टा करता है काम। कॉमा क्रिटेरिया रेंज वन, रेंज वन का मतलब कि जिसका कोर्स क्या हो डीसीए, तो डीसीए कॉमा, जिसका ब्रांच क्या हो कॉमा दे करके पाटलिपुत्र कॉमा, जिसका फैकल्टी नेम क्या हो पीके सर, एंटर मार दिए, गड़बड़ आया कहीं ना कहीं, गलती फिर से हो गया कहीं ना कहीं, इक्वल टू एस यू एम आई एफ एस, ब्रैकेट खोले, जिसका सम रेंज, पहले हमको निकालना है क्या, जिस फीस का सम कॉमा, जिसका कोर्स क्या हो कॉमा दे करके डीसीए कॉमा, जिसका ब्रांच क्या हो कॉमा दे करके पाटलिपुत्र कॉमा, जिसका फैकल्टी क्या हो कॉमा दे करके पीके सर, जिसका एड्रेस क्या हो नेहरू नगर, जिसका एड्रेस क्या हो इंद्रपुरी, सबका निकाल देगा। देख अभी जीरो है, अब गलती कहाँ हुआ है, देख हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे डालते हैं डी सी ए पी ए टी एल आई पी पी ए टी एल यू है ना, पी ए टी एल यू अब पी यू अब पी के सर, देखो तो आ गया अपने आप है ना, हमको निकालना है पेड का, तो इक्वल टू क्या लिखेंगे, सम आई एफ एस, ब्रैकेट खोले, पहले किसका सम निकालना है, पेड का कॉमा, जिसका कोर्स क्या हो डी सी ए हो कॉमा, जिसका ब्रांच क्या हो कॉमा पाटलिपुत्र हो कॉमा, जिसका फैकल्टी नेम क्या हो पी के सर, आ गया। फिर कॉमा दे दे करके तुम जितना कॉमा सेपरेट करोगे उतना ज्यादा कंडीशन आते जाएगी। हाँ जब एक कॉलम से एक से ज्यादा कंडीशन रहे तब जाकर किसका यूज करना है, तीन चार पाँच छह सात आठ कितना कर सकते हैं, उतना काफी ले लेगा, समझ में आया ना। अब देखो टोटल ड्यू इक्वल टू सम आई एफ एस, ब्रैकेट खोले, जिसका ड्यू निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है ड्यू कॉमा, जिसका कोर्स क्या हो डी सी ए कॉमा, ब्रांच क्या हो पाटलिपुत्र कॉमा, फैकल्टी क्या हो पीके सर, एंटर आ गया। स्टूडेंट निकालना है तो सी ओ यू एन टी काउंट आई एफ एस निकालो, इक्वल टू छूट गया, इक्वल टू सी सी ओ यू एन टी आई एफ एस, ब्रैकेट खोलो, यहाँ पे क्रिटेरिया वन, जिसका कोर्स क्या हो कॉमा दे करके डी सी ए हो कॉमा, जिसका ब्रांच क्या हो कॉमा दे करके पाटलिपुत्र हो कॉमा, जिसका फैकल्टी क्या हो कॉमा दे करके पीके सर, कितना स्टूडेंट, एक बताया ना।
तो ऑटोमेटिकली बता देगा, तुम जो भरना है भरो। यहाँ पे भरते हैं क्या टैली, नहीं है तो नहीं बताया। उसका लिखते हैं क्या यहाँ पे डीटीपी, आया। फिर जब मल्टीपल का उसी तरह से एवरेज आईएफएस निकालेंगे। एवरेज आईएफएस क्या मत निकालता है, एवरेज निकालता है, समझ में आया ना। तीन फंक्शन हमने बताया, कौन सम आईएफएस, काउंट आईएफएस और एवरेज निकालना होता है। एवरेज आईएफएस निकालो, एवरेज निकाल के क्या करेगा, बोलेगा कि बताओ कि इस बार बिहार बोर्ड में एवरेज स्टूडेंट कितना पास किया है, तो वहां पे निकालोगे तो पता चलेगा इस डेटा पे क्या एवरेज निकाल सकता है। हाँ ये निकाल सकते हो कि हमारे यहाँ एवरेज स्टूडेंट का फीस कितना, किसी का कोर्स 2000 भी है, किसी का 5000 भी है, किसी का 15000 भी है, किसी का 20000 भी है, तो सर के यहाँ एवरेज कितना। कोई पूछेगा अरे सर के यहाँ फीस कितना लगेगा, अरे जाओ ना एवरेज तुम्हारा 10000 के आसपास में कोई भी कोर्स हो जाएगा, ऐसा तुम किसी को बोल सकते, समझ में आया ना। ठीक है, इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, चालू कर लीजिए सिस्टम को, बोलता दो बोलता। समझ में आया ना। तो यहाँ पे हमको निकालना होगा, तो ये इसको छोटा सा डैशबोर्ड हम बोलेंगे, हम लोग ऐसा बना करके आराम से निकाल सकते हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का। तो इसको करके हम जो अभी लिखे हुए हैं इसको फोटो क्लिक कर लो, सब बना लेना। फॉर्मूला हम नहीं बता रहे हैं, अपने से दिमाग लगाना। सिंटेक्स हम ऑलरेडी बता चुके हैं, जो भेजे हैं उसी में। हो गया ना, ये था हमारा तीन फंक्शन, एक बचा हुआ है फंक्शन और सब टोटल। ठीक है, तो सब टोटल का काम क्या होता है, कैसे निकलता है, तो इससे पहले हमको एक डेटा बनाना पड़ेगा, बना लेंगे तो कल बता देंगे। एक फीचर भी है यहाँ पे, देखो डेटा में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या है, सब टोटल है ना, सब टोटल, ये बाद में बताएंगे सब टोटल। तो फंक्शन भी बता देंगे, किसी दिन डाटा मेरे पास बन जाएगा तो डाटा बना करके रखना पड़ेगा, तो इतना में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब एक दिन हम बताए थे तुम लोगों को सेल फॉर्मेटिंग, याद है, लेकिन रिकॉर्डिंग उसका नहीं हुआ था, वही एक क्लास था, वो एक क्लास का रिकॉर्डिंग हुआ ही नहीं था, सेल फॉर्मेटिंग। हाँ, कंट्रोल वन से, तो उसमें केवल पहला वाला ऑप्शन होता है ना, वही काम का होता है, बाकी सब ऑप्शन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तुमको पता है वो ऑलरेडी। ठीक है, सेल फॉर्मेटिंग का जो रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था, तो हम किसी और क्लास का वीडियो हम डाले हुए हैं, सेल फॉर्मेटिंग का किसी और क्लास का वीडियो इसमें ऑलरेडी डाल दिए थे, जो पिछला क्लास किसी बैच का लिए थे ना, तो उसका हम डाल दिए थे, लेकिन उसमें एक चीज बचा हुआ था सेल फॉर्मेटिंग में, वो क्या तो बताते हैं, कंट्रोल प्लस वन प्रेस करते हैं। थोड़ा लेट से खुलता है, लोड होता है उसका सारा प्लगइन्स, इसीलिए सबसे पहला ऑप्शन क्या है, नंबर, यही वाला बचा हुआ। ठीक है, तो ये आज खत्म कर देते हैं, वो क्या कहता है, तो जैसे देखो हम लोग कोई भी जब नंबर इनपुट करते हैं सेल में, तो नंबर पे ये अप्लाई करने के लिए होता है सेल फॉर्मेटिंग। जैसे देखो हमने यहाँ पे ये नंबर लिया हुआ है, तो ये मान लेते हैं कि फी है। ठीक है, तो हम चाहते हैं ना इसमें ना 0.00 अपने आप चला है, तो कंट्रोल प्लस वन प्रेस करेंगे। ठीक है, जाते हैं नंबर में, नंबर में जाने के बाद डेसिमल प्लेस कितना दिख रहा है, टू। ओके कर दो, देखो तो आ गया है ना, लेकिन हम चाहते हैं क्या कि डेसिमल के बाद हम चाहते हैं इसमें ना कॉमा भी आए सेपरेटेड में, कंट्रोल प्लस वन प्रेस किए, अब यहाँ पे है ना यूज 1000 सेपरेटर, ओके कर दो, यहाँ देखो कॉमा आ गया। अगर तुम लिखते हो 1,00,000, ऐसा आता है ना, आता है कि नहीं, एक पर एक दो इतना लिखो, तो देखो अपने आप ऐसा आता है ना लिखा हुआ, तो हम लोग को कॉमा सेपरेट करने से ज्यादा अच्छा होता है काउंटिंग करने में, गिनने में, इसीलिए हम लोग ये देते हैं। तो इस तरह से हम लोग लगा सकते हैं, तो जब भी तुमको लगाने का जरूरत पड़ता हो, अगर मान लेते हैं कि कोई वैल्यू अगर निगेटिव अगर हो जाता है, निगेटिव, तो वहां पे हम चाहते हैं कि निगेटिव वैल्यू को भी दर्शाए थे, यहाँ पे कंट्रोल प्लस वन प्रेस करते हैं, कंट्रोल प्लस वन प्रेस करते हैं, और यहाँ पे क्या है नंबर में, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, निगेटिव नंबर है ना, यहाँ पे अगर हम कर देते हैं कैसा है रेड वाला, तो अगर नंबर जैसे 10 माइनस 20 करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, -10,
तो फॉर्मूला ना लगाएंगे यहीं, तो अपने आप क्या कर दो, सबको पॉजिटिव में दिखाएगा। तो यहीं से तुम कर दो सेटिंग, सेटिंग जो है वो यहाँ से कर दो, वो निगेटिव रहते हुए भी किस में दिखाएगा, पॉजिटिव में दिखाएगा, समझ में आया। उसके बाद यहाँ पे क्या है, करेंसी। अगर मान लेते हैं कि तुम अमेरिका में हो, तुम चाहते हो किसी को हमको डॉलर में देना है, डॉलर में, तो कंट्रोल प्लस वन प्रेस करेंगे, ठीक है। कंट्रोल प्लस वन जब प्रेस करेंगे तो यहाँ पे तुमको पूछेगा कि कंट्रोल प्लस वन प्रेस किए, जितना सेल सेलेक्ट करेंगे उतना ही भी अप्लाई होगा। और यहाँ पे करेंसी में जाओ, यहाँ पे डॉलर है देखो, तो हर कंट्री का देखो, यूरो है, रुपीज है, रियाल है, सब रुपीज करने बताते हैं, नेट से डाउनलोडिंग करना पड़ता है, देखो है ना, देख रहे हो ना, हर कंट्री का, दुनिया के हर कंट्री का यहाँ पे अवेलेबल है, जितना का तुमको चाहिए, देख रहे हो ना, देखो रुपया है, देखो हिंदी में रुपया है ना, देखो आ गया रुपया है। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे कंट्रोल प्लस वन करे, हम चाहते नहीं हमको डॉलर लाना है, डॉलर, तो यहाँ पे जाओ सबसे ऊपर में डॉलर ले आओ, आ गया डॉलर। तो सिंबल अगर तुमको लगाना होगा तो कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग में भी कुछ कुछ सिंबल यूज होता है, तो वहां से लाना होता है, यहाँ पे लिमिटेड सिंबल है। अगर तुमको डेट का फॉर्मेट चेंज करना हो, अगर मान लेते हैं चलो हम कोई डेट लिखते हैं, सपोज कि यहाँ पे हम कोई डेट लिखते हैं, लिखते हैं क्या 02, ये डेट है ना। अब हमको इसका फॉर्मेट को चेंज करना है, सेलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल प्लस वन प्रेस करते हैं, यहाँ पे देखो डेट में कैसा फॉर्मेट चाहते हो, ऐसा, तो देखो दिया ना, तुमको किस तरह का फॉर्मेट चाहिए, सामने में तुम्हारे अवेलेबल फॉर्मेट है, देखो आया ना, तो फॉर्मेट तुम्हारे ऊपर है, बहुत जगह ऐसा लिखा हुआ देखते हो ना, अलग अलग तरह का फॉर्मेट है, देखो कैसा तुमको फॉर्मेट चाहिए, पूरा फुल में चाहिए तो फुल में कर दो, नहीं चाहिए नॉर्मल में करना है तो इसको हटा दो, क्या कर दो, पहला जैसा है वैसे ही रख दो, आया ना। तो हम फॉर्मेट को चेंज करना चाहते हैं तो सेल्फ फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं, तो यही हो गया, क्लियर हो गया। टाइम, टाइम का फॉर्मेट तुमको चाहिए तो कर दो, परसेंटेज लगाना है तो परसेंटेज लगा दो, डेसिमल के प्लेस देखो यहाँ परसेंटेज है ना, उसका तुमको फ्रैक्शन में अगर देना तो फ्रैक्शन में कर दो, साइंटिफिक में करना है तो साइंटिफिक में कर दो, साइंटिफिक के देखो फ्रैक्शन को देखो, जैसे मान लेते हैं कि तुम वैल्यू देते हो कितना 5.5, 6.8, 9.4, 3.1, 7.8, 6.4, नहीं आया, रुको रुको रुको, यहाँ डेट दिया हुआ था ना पहले से, यहाँ पे डालते हैं 5.5, 6.4, 8.7, 9.0, 3.4, 2.8 दे दिए। अब सेलेक्ट कर लेते हैं, फ्रैक्शन में हम चाहते हैं कि ना रहे इसको ना, हम थोड़ा सा यूनिक टाइप का दिखाना चाहते हैं, तो हम करते हैं कहाँ पे, फ्रैक्शन में गए ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, अप टू वन डिजिट, दूसरा क्या है अप टू टू डिजिट, अप टू थ्री डिजिट, हाफ, क्वार्टर, 8/16 है ना, ओके करते हैं, देखो तो क्या आया, 15.1/2, 5.5 लिख सकते हैं ना, है 6.2/5, तब मतलब कि इसको काटेंगे 2/5 को तो कितना आएगा जी, यहाँ पे देखो वैल्यू कितना है, 4 है ना, तो 5 × 20 4 आएगा, 2/5 को हम लिख सकते हैं ना 0.4, उसका 2/3 को कितना लिख सकते हैं 7 है ना, तो 21 आएगा, 20, तो 3×7=21 लगभग उतना आएगा ना। एक अंदाजा से सिंबल तुमको निकाल करके यहाँ पे दे दिया कि आप उसको यूज कर सकते हो, लिखो। अगर मान लेते हैं करते हैं क्या अप टू टू डिजिट, तो टू डिजिट करेंगे तो देखो कैसे होगा, आ रहा है ना 10×70 है ना, 1/10 बता रहा है ना। तो जिस तरह से आप चाहते हैं इसको दिखाना उस तरह से आप इसको दिखा सकते हो। अगला है साइंटिफिक। कोई भी नोटेशन नंबर का होता है ना, दो तरह का होता है, सबसे पहला होता है क्या इंजीनियरिंग नोटेशन, और दूसरा होता है साइंटिफिक नोटेशन। कोई भी नंबर इस दुनिया का होता है उसका नोटेशन हम लोग दो तरीके से करते हैं, सबसे पहला होता है साइंटिफिक, दूसरा होता है इंजीनियरिंग। हम लोग जो अभी करते हैं ना इसको हम लोग बोलते हैं क्या इंजीनियरिंग नोटेशन, लेकिन साइंटिफिक में अगर हमको करना होता है तो उसमें ई सिंबल ऐड होता है ई। अब कैसे देखो, मान लेते हैं कि हम लिखते हैं 1000, 10000 लिखे ना, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 10 × गुना का सिंबल ये वाला स्टार देते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं ना इसको 10 × गुना का सिंबल 10^3 दे सकते हैं, लिख सकते हैं ना ऐसा 10×10^3 लिख सकते हैं ना, पावर होगा POW है, मतलब मान के चलो कि मेरा लिखावट है ऐसा, पावर नहीं, 2 कैसे होगा रे, 10000 है ना, तो 3 ना होगा है, तो हम इसको ऐसा देखो, तो यहाँ पे क्या है
तो यहाँ पे कहता है कि इसको चेंज करने का तरीका देखो, हम इसको करते हैं चेंज इंजीनियरिंग में, तो कंट्रोल प्लस वन प्रेस करेंगे और जाएंगे क्लिक करते हैं साइंटिफिक में, देखो कैसा लिखाएगा अभी, क्या लिखाया वन। अब बताओ कि इसको ऐसा हम लिख सकते हैं एक गुने दस का पावर तीन चार, लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसा लिख सकते हैं ना, एक गुने दस का पावर चार लिख सकते हैं ना, है दस गुने दस गुने दस गुने दस हजार हो जाएगा ना। अब देखो तो जहां पे हम पावर चार लिखे हैं, पावर चार तो ये जीरो फोर लास्ट में आया, गुना के बदले में प्लस आता है, दस के बदले में यहाँ पे ई आता है, वन जैसा है वैसा ही। मतलब ये हुआ कि हम ऐसा इसको हमको क्या लिख सकते हैं, टू फाइव डबल 25,000 को क्या लिख सकते हैं, देखो 25 है ना, तो लिखेगा 2.5.00 ई बड़ा लिखेंगे, ई वाला इसके 10 के बदले में 2.5 गुने 10 का पावर 4 तो ई आप प्लस क्या हो जाएगा 0.4 हो जाएगा। समझ में आया ना लिखने का तरीका, हैं मतलब नहीं समझ में आया, 25 को हम क्या लिख सकते हैं, दिख नहीं रहा है देखो, 25 को हम और क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना 2.5 इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगा ना, तो इसको ऐसा लिखा गया इंजीनियरिंग में 2.5 ठीक है, और रुको ना उसके बाद e प्लस 0.4 2.5 गुने 10 का पावर 4 लिखने का तरीका, आप देखो कैसे इसको देते हैं, थोड़ा सा चेंजिंग हो सकता है कि फॉर्मेट चेंज हो अकॉर्डिंग टू सिस्टम, साइंटिफिक कर देते हैं, देखो तो आया 50 लगा दिया खाली, वही तो ठीक तो है, ठीक है तो हम लिखे आया ना, तो लिख सकते हैं 2.5 गुने 10 का पावर 4, समझ में आया ना, 10 को क्या लिखेंगे बता सकता है कोई, 1.0 ई, हाँ 1.0 ई प्लस 0.1, 100 का क्या होगा 1.0 ई प्लस 0.2, समझ में आया ना, तो ये ऑटोमेटिकली चेंज कर देता है उसको उस साइंटिफिक फॉर्मेट में, ताकि नंबर भी किसी को समझ में नहीं आएगा नॉर्मल आदमी को, और मेरा पता चले, देखो नंबर यहाँ पे वही दिखा रहा है देखो, लेकिन क्या है फॉर्मेट केवल चेंज है, समझ में आया। अब यहाँ पे देखो इतना सारा है ना रिजल्ट, हाँ वही ना, देखो कंट्रोल प्लस वन प्रेस करते हैं यहाँ पे, हम इसी को कर देते हैं, देखो यहाँ पे करते हैं साइंटिफिक में, देखो था क्या दिया इसका, इसका देखो तो दे रहा है इतना, कहा ई में 10 के बदले में 10 का पावर 3, तो लिखने का तरीका, हाँ ई का मतलब इंजीनियरिंग नोटेशन है, हाँ नॉर्मल में आ जाता है, लेकिन अगर मान लेते हैं कि हम कोई नंबर देते हैं 1. चाहे 25,000 दिए था 2.5 रहेगा, 0.0 हटा देगा, समझ रहे हो ना, अच्छा डेसिमल को कम कर दे, क्या डेसिमल को कम करके अगर 0 कर देंगे तो हट जाएगा, देख हाँ हाँ डेसिमल ना दिए थे, समझ में आया ना, इस तरह से हम दे सकते हैं 2.ई इतना, अब क्लियर हो गया ना, तो ये इसी तरह से क्या करता है डोनेट करता है। अगला टेक्स्ट है, टेक्स्ट का कोई फॉर्मेट होता ही नहीं है, अगला क्या है स्पेशल में क्या क्या है देखो, तो जिप कोड है, फोन नंबर है, सोशल सिक्योरिटी नंबर है, अगर मान लेते हैं कि हम कर देते हैं यहाँ पे जाकर के सोशल सिक्योरिटी नंबर, देखो यहाँ पे हम नंबर कोई डालते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 7 कुछ भी डालता है, तो नंबर डाल दिए, अब यहाँ पे जाकर के कंट्रोल प्लस वन करते हैं, कर देते हैं यहाँ पे क्या सोशल सिक्योरिटी नंबर में कर देते हैं ओके, देखो था ऐसा फोन नंबर कहीं देखे ना लिखा हुआ कई जगह पर, इतना डैश इतना डैश इतना, हाँ ठीक है कंट्रोल प्लस वन करते हैं, तो ये तो समझ में आ गया है, अगला क्या बचा हुआ है, ये कस्टम है ना, कस्टम का क्लास थोड़ा सा चलेगा लंबा, अगले दिन बताएंगे, इसमें कुछ डेटा हमको बनाना पड़ेगा, डेटा जब हम बना लेंगे ना, हाँ दोनों अगले दिन बता करके हम कल शुरू करेंगे, कल हम शुरू करेंगे टेक्सचुअल फंक्शन, टेक्सचुअल फंक्शन है, फिर 10-15 को फंक्शन पढ़ेंगे,